धोखाधड़ी कर पैसा निकालने के आरोप में दो अभियुक्तों विजय यादव और फैज खान को सीसीटीवी के आधार पर राजघाट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 71,000 चोरी के नगद रुपए, 10 एटीएम कार्ड, 2 मोबाइल फोन, 1 चार पहिया वाहन, 1 दो पहिया वाहन किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। संतोष उर्फ सत्येंद्र की सहजनवा थाने की पुलिस ने ए प्रकार की खोली हिस्ट्री सीट, 8 से ज्यादा थे मुकदमे पंजीकृत, की जाएगी आपराधिक गतिविधियों पर निगरानी। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी। रजिस्टर्ड कंपनी बनाकर 10 करोड़ से अधिक रुपए को हड़पने वाली शातिर अभियुक्ता को राजगढ़ थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने किया खुलासा। सुरक्षा माह के अंतर्गत ट्रैफिक विभाग द्वारा चलाया गया ट्रैफिक जागरूकता अभियान, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 299 वाहनों का किया गया चालान, जिसमें प्रेशर हॉर्न, हूटर और सायरन लगे 11 वाहन भी रहे शामिल। जनवरी को लगने वाले मौनी अमावस्या में संगम तट पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे की तैयारी हुई पूरी। चलाई जाएगी 2 जोड़ी माघ मेला स्पेशल पैसेंजर ट्रेन। सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। शहर व ग्रामीण क्षेत्र के नौजवानों की पीआरडी में भर्ती के लिए प्रांतीय रक्षक दल संगठन द्वारा विकास भवन में 13 जनवरी से दिया जा रहा है फॉर्म। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 24 जनवरी। शहर में 62 व ग्रामीण क्षेत्रों में 50 सीटों पर होगी भर्ती। माघ मेला के दौरान संगम में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए परिवहन निगम ने भी कसी कमर। 27 जनवरी तक चलाई जाएगी 380 विशेष बसें। गोरखपुर सहित 6 स्टेशनों का आगामी 40 से 50 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है रीडेवलपमेंट। गोंडा, छपरा, गोरखपुर, गोमती नगर, लखनऊ और काठगोदाम रेलवे स्टेशन है शामिल। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने कहा, कार्यदायी एजेंसी अगले सप्ताह महाप्रबंधक व अन्य अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करेगी मॉडल व डिजाइन। बुधवार को अभियान चलाकर हटाए गए बांसफोड़ों ने गुरुवार को सड़क के किनारे दोबारा दुकान लगाकर किया अतिक्रमण। गोरखपुर न्यूज के कैमरे में हुए कैद, पुलिस व नगर निगम के अधिकारियों ने साधी चुप्पी।